दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्यूब रूट निकालने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक को लेकर आया हूं। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, क्यूब रूट निकालने की इस ट्रिक को समझने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और अगर आपको अभी ये याद नहीं है तो आप इस टेबल को देखकर इसको समझ सकते हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। मान लीजिए हमें 2197 का क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे नंबर की यूनिट डिजिट 7 है। इसके बाद हमने इस टेबल में देखा तो हमें दिखाई दिया कि 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 के लास्ट में भी 7 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2197 का क्यूब रूट जो भी आए उसकी यूनिट डिजिट 3 होगी। 3 क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 27 के लास्ट में भी 7 आता है। और आप देख लीजिए, किसी भी नंबर का क्यूब करने पर आपको लास्ट में 7 नहीं मिलेगा। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको 15625 का क्यूब रूट निकाल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे नंबर की यूनिट डिजिट 5 है। इसके बाद हमने इस टेबल में देखा तो हमें दिखाई दिया कि 125 के लास्ट में भी 5 आता है, और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। इसका मतलब एक बात तो यहाँ पर तय हो गई कि 15625 का क्यूब रूट जो भी आए उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी, राइट? अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट के 3 नंबर को काट देना है और आपको 15 पर फोकस करना है। आप देखिए कि 15 जो है वो 2 के क्यूब यानी कि 8 और 3 के क्यूब यानी कि 27 के बीच में आती है। अब 27 जो है वो तो 15 से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम 8 को कंसिडर करेंगे। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, और इसीलिए हमारी पहली डिजिट बनेगी 2। यानी 15625 का क्यूब रूट निकल कर आया 25। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए इस बार हमें 50653 का क्यूब रूट निकालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बार हमारी यूनिट डिजिट 3 है। तो टेबल में हमने ये देखा कि किस नंबर की यूनिट डिजिट 3 है, तो हमें दिखाई दिया कि 343 के लास्ट में 3 आता है, और 343 7 का क्यूब होता है। इसका मतलब एक बात तो यहाँ पर तय हो गई कि 50653 का क्यूब रूट जो भी आए उसकी यूनिट डिजिट 7 होगी, राइट? अब इसके बाद हमें लास्ट के 3 नंबर को कट कर देना है और 50 पर फोकस करना है। 50 जो है वो 3 के क्यूब यानी कि 27 और 4 के क्यूब यानी कि 64 के बीच में आता है, क्योंकि 64 जो है वो 50 से ज़्यादा है, इसीलिए हम 27 को कंसिडर करेंगे, और 27 3 का क्यूब होता है। इसका मतलब हमारी पहली डिजिट आएगी 3, यानी 50653 का क्यूब रूट निकल कर आया 37। तो इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट केवल 2 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिनके आंसर आप इसी ट्रिक का यूज करके निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें अपने अपने आंसर बताएंगे। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।